इधर छत्तीसगढ़ को एक और पुरस्कार मिला है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के हाथ लगी है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार मिला है। सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे को ये पुरस्कार दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से तस्वीरें सामने आई है। छत्तीसगढ़ को एक और उपलब्धि मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बड़ी उपलब्धि है, जहां सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे को पुरस्कार दिया गया। शहरी आवास योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपना नाम रोशन किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, एक और पुरस्कार, एक और सम्मान छत्तीसगढ़ के नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि प्रदेश की सियासत में सबसे चर्चित विषयों में से एक है, उसमें छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ को इस सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम, पीएम आवास योजना, जो मुद्दा सदन में भी जमकर गूंजा, सियासत में भी लगातार ये मुद्दा उठता आया है, उसमें ही छत्तीसगढ़ को ये सम्मान मिला। देखिए, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का मुद्दा जो है लगातार गूंज रहा है। लगातार विपक्ष ये बताने का प्रयास करे कि सरकार ने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में नहीं बना रही, लेकिन एक और खुद केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ को पीएम आवास में बेहतर काम के लिए सम्मानित करे, तो इससे पता चलता है कि सरकार पीएम आवास को लेकर काम कर रही है। ऐसा ही पीएम आवास के लिए सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने शहरी आवास योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम में उनको पुरस्कार मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहती है लगातार कि पीएम आवास में छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं करे, लेकिन वही केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बेहतर काम के लिए पुरस्कार करे, तो निश्चित तौर पे ये खुशी की बात है छत्तीसगढ़ और कांग्रेस सरकार के लिए। जी बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।